2023 उत्तराखंड के लिए काफी दर्द भरा रहा है। पहले जोशीमठ और अब उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे को 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन सरकार, प्रशासन, वहां काम करने वाली बड़ी कंपनियां, आपदा प्रबंधन सभी टनल में फंसे 40 से ज्यादा मजदूरों को निकालने में विफल रही है। प्लान ए, प्लान बी सभी फेल हैं। हालांकि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन फिर भी इस हादसे के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। जब पूरे देश में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थी, तब उत्तरकाशी में निर्माणधीन सिलक्यारा टनल धस जाती है, जिसकी चपेट में 40 से ज्यादा मजदूर फंस जाते हैं। इस हादसे की खबर के बाद प्रशासन तुरंत एक्टिव होता है और SDRF, NDRF, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन के लोग मौके पर पहुंचते हैं और मजदूरों को किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए इस पर विचार विमर्श शुरू होता है। तभी इस घटना का संज्ञान लेने मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं, जो आज भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनके साथ आपदा प्रबंधन सचिव भी मौके पर पहुंचते हैं और इस घटनाक्रम से जुड़े सभी लोग, चाहे वो वहां काम करने वाली कंपनी हो या राहत बचाव कार्य करने वाले हों, प्रशासन के लोग, जो भी सभी जो छुट्टी पर थे, सभी की छुट्टी कैंसिल होती है और सभी को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। देखिए, वहां पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था, इस सबको देखते हुए जो तकनीकी की जो मशीन है जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHAI, DCL और भारत सरकार के अधिकारी जो सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को, जो हमारे भाई उसके अंदर हैं, उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय DK सिंह जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, हमने टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव, अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में, क्योंकि तकनीकी चीजें उन्हीं को करनी है। इस घटना का जायजा लेने के बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी होती है, या फिर यूं कहें कि एक बयान जारी होता है, जो सवाल बहुत सारे खड़े करता है। बयान होता है आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा का, जिसमें वो बताते हैं कि ये पहाड़ सॉफ्ट रॉक थे, यानी कि इतने मजबूत नहीं थे कि ज्यादा प्रेशर झेल पाए। मतलब साफ है कि ये पहाड़ कच्चे हैं। पहाड़ों के कच्चे होने का एक संकेत और भी है, और वो है बांझ के जंगल। जहाँ भी ये जंगल होते हैं या फिर ये पेड़ होते हैं, वहाँ पानी की अधिकता ज़्यादा होती है, जो पहाड़ के कच्चा होने का संकेत है। यहाँ आपको बता दें कि ऐसे किसी भी विकास कार्य करने से पहले एक DPR तैयार होती है। DPR एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जिसको जारी करने में भूवैज्ञानिक, आपदा प्रबंधन, खनन विभाग और भी कई तरह के संवेदनशील संस्थान एक साथ काम करते हैं। इस DPR में सभी तरह के मापदंड लिखे होते हैं कि ये सड़क कितना लोड ले पाएगी, ये पहाड़ कितना प्रेशर झेल पाएगा, ये इलाका मजबूत है या सॉफ्ट, हर वो चीज़ जो जरूरी होती है विकास के लिए, वो DPR में लिखी होती है। लेकिन इस घटना ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए कि अगर पहाड़ कच्चे हैं तो टनल से पहले जो DPR जारी की गई थी, क्या वहां काम करने वाली कंपनी ने उस DPR को अनदेखा कर दिया? और अगर वो DPR के तहत काम हुआ है तो सवाल DPR बनाने वाली एक्सपर्ट की टीम को लेकर है कि उन्होंने DPR को लेकर सही रिपोर्ट जारी नहीं की। उन्होंने DPR में बांझ के जंगल, पानी की अधिकता, कितना प्रेशर पहाड़ सहन कर पाएगा और सही ढंग से ये सारी चीज मेंशन नहीं हुई, जिस वजह से ये हादसा हो गया और वहाँ काम करने वाले 40 मजदूरों की जान पर बनाई। सवाल उस ठेकेदार कंपनी NHAI से भी है जो वहाँ काम कर रही है, जिसने मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था, उनके जीवन संबंधी सुरक्षा उपायों की घोर अनदेखी की। किसी भी सुरंग का निर्माण शुरू करने से पहले सुरक्षा निश्चित किए जाने को लेकर एक एस्केप टनल बनाई जाती है, लेकिन यहाँ वो टनल नहीं बनाई गई। क्या NHAI को अपने किसी भी मजदूर की फिक्र नहीं है? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये तो बाद की बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 5 दिन से फंसे वहां मजदूर को निकालने के लिए और कितना समय लगेगा।
कार्यदायी संस्था NHIDCL की माने तो यहां फंसे हुए मजदूरों में 2 उत्तराखंड के, 1 हिमाचल, 4 बिहार, 3 पश्चिम बंगाल, 8 उत्तर प्रदेश, 5 उड़ीसा, 15 झारखंड और 2 आसाम के हैं। सुरंग के अंदर कंप्रेसर के माध्यम से निरंतर जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनको निरंतर ऑक्सीजन प्रवाहित की जा रही है और दबाव युक्त हवा के साथ भोजन सामग्री के छोटे छोटे पैकेट भी उन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। फंसे हुए व्यक्तियों के साथ वॉकी टॉकी के माध्यम से बातचीत की गई तो पता लगता है कि सभी लोग अभी तक सुरक्षित हैं, जो कि एक राहत की खबर है। सबसे पहले तो संबंधित विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर NHAI, RBNL, NHCL, LNT, THDC, BRO और NHIDCL के स्तर से उपलब्ध कराए गए तकनीकी और अन्य उपकरणों व संसाधनों के माध्यम से सुरंग के अंदर आए मलबे को युद्ध स्तर पर हटाने का कार्य किया गया। इसके बाद ही उपस्थित विशेषज्ञों के परामर्श पर फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचाने के लिए मलबा हटाकर सेटरिंग प्लेट लगाकर उन्हें निकालने के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार किया जाने के प्रयास किए गए, लेकिन लगातार गिरते मलबे से इस योजना पर पानी फिर गया। जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डबरी गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। इसके बाद फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेषज्ञ द्वारा 900 मिलीमीटर के MS स्टील पाइप को मलबे के आर पार स्थापित किए जाने का परामर्श दिया गया। वांछित संख्या में MS स्टील पाइप घटनास्थल पर पहुंचाए गए, जिन्हें सुरंग के अंदर स्थापित करने का कार्य किया जाता रहा और साथ ही MS स्टील पाइप की स्थापना हेतु सिंचाई विभाग के 5 विशेषज्ञ अभियंताओं के दल भी देहरादून से घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये मशीन बंद पड़ गई तो ये प्लान भी फेल हो गया। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाइप की आपूर्ति की डिमांड हुई थी और उस जो रिक्वायर्ड पाइप था वो उपलब्ध करवा दिया गया है, स्टील पाइप, और अब उसको जो फ्रेमवर्क होता है जिस पे उसको रख के मशीन काम करेगी वो भी तैयार हो गया है। तो शीघ्र ही अभी अपडेट आएगा कि क्या प्रगति है इस कार्य में, तो उसके बाद जो एस्केप टनल बनेगी उसी से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। इसके बाद दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर पहुंची नई और बड़ी ड्रिलिंग मशीन से मजदूरों को बचाने का काम शुरू होता है। फिलहाल इस कार्य को लेकर बताया जा रहा है कि 24 मीटर तक मशीन ड्रिल कर चुकी है और 4 पाइपों को जोड़ दिया गया है। हालांकि ये जो पाइपों को जोड़ने की प्रोसेस है इसमें काफ़ी समय लगता है और लगभग अभी 40 मीटर की ड्रिल बाकी है। जल्द ही मजदूरों तक इन पाइपों को पहुँचाया जाएगा जिससे सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अब इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और PMO अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं गुरुवार को टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे DGP उत्तराखंड अशोक कुमार का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। कि जो सिलक्यारा टनल है वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, आज केंद्रीय मंत्री जी भी गए थे, जनरल वीके सिंह साहब, मैं भी उनके साथ गया था। तो वहाँ कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की सभी एजेंसियाँ और राज्य सरकार की सभी एजेंसियाँ मिलकर के काम कर रही हैं। ये बड़ा काम है क्योंकि 60 मीटर के करीब पूरा वो है और इसमें समय लग सकता है, तो हम सबको संयम रखने की ज़रूरत है और भरोसा भी रखने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि सफलता जरूर मिलेगी। सवाल उन तमाम लोगों और अधिकारियों से है कि क्या लोगों की जान को खतरे में डालकर विकास की दौड़ में आगे निकलना सही है? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लाखों करोड़ों खर्च करने का एक योजना बनाती है, क्या इस योजना को सफल बनाने के लिए ठेकेदार कंपनियां लोगों को, मजदूरों को मौत के मुंह में धकेल देती हैं? सुरंग में फंसे इन मजदूरों की जान बचाने की गारंटी कौन लेगा? हम चाहते हैं कि सभी सही सलामत बाहर आएं, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो उसकी गारंटी किसकी होगी? ये बड़ा सवाल है।